फ्रेंड का आया रिजल्ट पी ए फाइनल का रोल नंबर डाला कैप्चा कोड डाला और देखा ग्रुप वन फेल ग्रुप टू फेल कोई सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने क्लिक किया ग्रुप वन पर तो पॉप अप आया फेल्ड विथ नो एग्जामेशन ग्रुप टू पे क्लिक किया पॉपअप आया फेल्ड विथ नो एग्जामेश बार बार क्लिक करते गया तो फेल बड़ा सा होने लग गया ब्लिंक होने लग गया और कई बार क्लिक किया तो आवाज़ आई अब क्या रैंक पूछेगा उसने बोला नहीं मुझे मेरे मार्क्स चाहिए वहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आईसीआई के बॉट ने जवाब दिया कि क्या करेगा मार्क्स जान के अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग के लिए तुझे दो ही चीज़ जानना थी पास है या फेल और अगर फेल हुआ है तो एग्जाम्शन है या नहीं है तेरा किसी पेपर में कोई एग्जाम्शन नहीं बताइए दोस्तों क्या इंस्टीट्यूट उसके साथ सही कर रहा है या उसे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए जाना चाहिए डेफिनेटली ताकि वो अपनी आगे की स्टडीज प्रायोरिटाइज कर सके और पूछने वालों को प्रॉपर जवाब दे सके कि कम वक्त सब निकल गया था एग्रीगेट में या कम वक्त ऑडिट ने रोक दिया कम वक्त एफ ने सत्तर सोचे थे कम वक्त चालीस या इसका मतलब ये दोस्तों कि डिसीजन मेकिंग के लिए नेट अगर आप रिजल्ट सिर्फ इंस्टीट्यूट पब्लिश कर दे तो वो पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि हमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स चाहिए सेम इसी तरह से अगर कोई पर्टिकुलर एंटिटी के कई सारे बिजनेसेस हैं एक ही कंपनी के अंतर्गत और आप उसके पी एल में टोटल सेल्स एक्सपेंस प्रॉफिट दिखाते हैं टोटल एसेट्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो हो सकता है कि यूजर उसके आधार पे डिसीजन मेकिंग उतनी बेहतर ना ले पाए बजाय उसके कि अगर उसे यह भी इंफॉर्मेशन दी जाती कि कंपनी के कौन कौन से बिज़नेसेस से रिलेटेड क्या क्या रेवेन्यू रिजल्ट्स असेट्स और लाइबिलिटी एंड दिस इज समथिंग विच ब्रिंग्स अस टू इंडेज वन जीरो एट ऑपरेटिंग सेगमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो छम्प में से चार बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए देखिए सो

पर अगर वो दो क्वेश्चन बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है रिपोर्टेबल सेगमेंट से रिलेटेड जिसका एक एग्जाम्पल भी मैं रिविजन में आपको साथ में कवर कराऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं तो इसी रिविजन वीडियो में वी विल बी गोइंग टू कवर द रिविजन एज वेल एज द क्वेश्चन और दूसरा एक डिस्कलोजर का ये सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में दो बार आ चुका है एनी विच वेज विद दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड लेट्स अंडस्टैंड वॉट इंडेज वन जीरो operating segment सेगमेंटेज ऑपरेटिंग सेगमेंट यानी कि आपके कंपनी के ऑपरेशन में अगर आपको लगता है कि आपके मल्टीपल सेगमेंट्स हैं सेगमेंट यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसज या जोग्रफिकल लोकेशन यहाँ पे आप काम करते हो तो हम चाहेंगे कि उसकी इन्फॉर्मेशन यूजर्स को अलग अलग दी जाए क्या इन्फॉर्मेशन यूजर्स को दी जाए बहुत ही शानदार इंडेस है क्योंकि वो ये नहीं कहता कि हमें क्या इंफॉर्मेशन यूजर्स को देनी है इनफैक्ट वो ये कहता है कि सही मायने में आप इसे मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से देखो कि मैनेजमेंट भी कोई कंपनी में डिसीजन मेकिंग लेता होगा तो वो डिसीजन मेकिंग इसी लॉजिक पर लेता होगा कि उसके क्या क्या अलग अलग या सेगमेंट्स हैं एंड बेस्ड ऑन दैट किन बिजनेस और सेगमेंट में क्या फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है जैसे कि एक स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रेटेजी बनाता है तो ये पूरा इंडिया मैनेजमेंट अप्रोच के ऊपर बेस्ड है जिसमें ये कहता है कि आपकी कंपनी का जो सीओडीएम है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर उसके पास इंफॉर्मेशन सेगमेंट वाइज जैसे जाती है सेम उसी तरह से आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन यहां डिस्क्लोज करोगे ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पूरे इंडेक्स को अगर आपको बहुत ही ब्रीफ में रिवाइज करना है तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर सिनॉपसिस इन इट सेल्फ इज सफिशियंट टू स्टार्ट विद पहले क्विक रिविजन करते हैं सिनॉपसिस का फिर पूरे कवरेज के साथ रिविजन करेंगे वी विल सी दो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल्सो देखिए कहा गया है स्टेप में आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट कंसिडरिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट तो ये स्टेप वन अपनी आपसी बात है सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपके बिजनेस में आइडेंटिफाई करोगी क्या क्या सेगमेंट्स से। है तो हो सकता है कि सेगमेंटेशन ऐसा हो कि दैनिक भास्कर गए हमारा एक सेगमेंट है रेडियो एक है रियलिटी रियल एस्टेट सॉरी और एक है न्यूज़पेपर वहीं हो सकता है टाइम्स का है हमारा सेगमेंट है से टाइम्स ऑफ इंडिया सेपरेट है फाइनेशियल न्यूज़ सेपरेट है टी वी सेपरेट है हो सकता है सोनी का है हमारा सेगमेंट है एक एंटरटेनमेंट और एक है लच्चे हार्डवेयर और ऑल दी इक्विपमेंट्स विच वी क्रिएट उसमें हो सकता है वो ये कहे कि भाई टीवी और इस तरह के इक्विपमेंट्स अलग सेगमेंट है एंड लेट्स लच्ए अदर इक्विपमेंट्स लाइक कैमरा एंड ऑल आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स तो ये प्योरली किस पे डिपेंड करेगा तो इन्होंने अप्रोच ये बनाई है डेफिनेशन दी है कि भाई आप ये देखो कि आपका जो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है उसे इन्फॉर्मेशन आप किस बेसिस पे ब्रेकअप करके देते हो वो अपनी डिसीजन मेकिंग वो अपना रिसोर्स अलोकेशन कैसे डिसाइड करता है तो क्या वो ऐसे डिसाइड करता है कि भाई टीवी और एलईडी सेगमेंट पे ऐसे काम करना है और कैमरा सेगमेंट पे ऐसे तो शायद वो दो अलग अलग सेगमेंट्स से हो सकते हैं इस लॉजिक से आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सेगमेंट कौन से और उन सेगमेंट्स में से फिर आप क्या करेंगे आप देखेंगे कि कोई दो सेगमेंट ऐसे हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है तो आप उन दोनों को अलग अलग ना मान के सेम मान सकते होेंशली मीन्स कि हो सकता है सोनी का कि हम कैमरे में भी दो तरह के कैमरेज बनाते हैं वन इज डी एस एल आर मेरलैस कैमराज एंड वन इज लेट्स ल कंज्यूमर कैमराज पर हमने कहा कि यार ये दोनों एस एच कोई डिफरेंट सेगमेंट्स नहीं है दीज आर मॉरल लेस वन एन द सेम सेगमेंट बिकॉज ऑफ द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप इसे कंबाइन करके एक सेगमेंट मान सकते हो हर सेगमेंट के बारे में इनफॉमेशन इंडेस में नहीं मांगी गई है तो वो कहता है कि जो आपके रिपोर्टेबल यानी मटीरियल सेगमेंट्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जो अनरिपोर्टेबल रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड आप चाहो तो उनको क्लब किसी बेसिस पे करके इन्फॉर्मेशन डिस्कलोज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन डिस्कलोज करनी है और क्या रिकंसिलियन देना है दट इज समू डिटैंड स्टैंडर्ड कम्प्लीट हो जाता है दिस इज जस्ट अ वेरी नॉट अट इज एक्चुअली अटेलाइट और चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इंडिया एट ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या कहता है इट्स इज एन एंटिटी शै डिस्कलोज इंफॉर्मेशन टू अनेबल दूसर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू वैल्युए नेचर एंड इफेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन विच इट एंगेज एंड इकोनॉमिकट्स तो इंडेक्स का पैरा वन जिसे कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडेस कहा जाता है वो कहता है कि हमारा इस इंडेक्स का उद्देश्य है कि एक एंटिटी इंफॉर्मेशन यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोज करे जिससे कि यूजर अपने बिजनेस के नेचर और उसके फाइनेंशियल इफेक्ट समझ सके इन टर्म्स ऑफ क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ है और क्या क्या इकोनॉमिक एन्वायरमेंट से जिसमें ऑपरेट करता है हमें हमें जोग्राफिकल लोकेशन वाइज या प्रोडक्ट्स और सर्विस वाइज इंफॉर्मेशन देनी है ताकि यूजर की डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सके किसे देना है सारी एंटिटीज़ जो इंडियाज फॉलो कर रही है पर आप एस एफ एस सी एफ एस दोनों बनाते हो तो सी एफ एस लेवल पे मिनिमम आपको देना है एस एफ एस पे वॉलेंटरली है कहीं भी आप वॉलेंटरली प्रेजेंट कर रहे हो जैसे कि एस एफ एस में तो फिर आपको इस पूरे इंडेज की सारी इन्फॉर्मेशन देना है सिलेक्टिव नहीं दे सकते ध्यान रखना हर ऑपरेशन अपने आप में सेगमेंट नहीं होता है ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब जो आपके एक और ऑपरेशन से रिलेटेड तो है तो इन्फोसिस का ऑपरेशन है लच्चे आई टी और आई टी अनेबल सर्विसेज हो सकता है उसकी मेजर इनकम उसके इन्वेस्टमेंट से आती हो बिकॉज इट्स अ कैश रिच कंपनी दैट विल नॉट मेक इवेस्टमेंट्स इन इट सेल्फ एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट बिकॉज दट इज मोर ऑफ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर इट रदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो स्टैंडर्ड कहता है कि हमारा इंटेंशन है कि हम यूजर्स को इफॉर्मेशन प्रोवाइड करें बिल्कुल वैसी ही जैसा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करता है क्योंकि सीधी सी बात है मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन ले रहा है यूजर को वही देते तो काम हो जाएगा का वो भी डिसीजन ले पाएंगे हालांकि सी तो फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू करता होगा तो क्या हम ऐसी पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे कॉन्फिडेंशियलिटी इशू नहीं आएगा तो इसके लिए कहा गया है कौन सी इंफॉर्मेशन देना है उसके अंदर क्या क्या देना है और वो इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे रिकनसाइल करना है ताकि यूजर कन्फ्यूज नहीं हो यार सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में चार सेगमेंट है उनकी टोटल सेल हजार करोड़ है और पी एंड एल में टोटल सेल बारह सौ करोड़ आ रही है ये कैसे हो रहा है तो रिकनसिलियेशन कैसे देना है ये इस स्टैंडर्ड का उद्देश्य है सबसे पहले स्टैंडर्ड में पैरा फाइव में डेफिनेशन दी गई है ऑपरेटिंग सेगमेंट की इसमें कहा गया है कि ये एक कॉम्पोनेंट है एंटीटी का पर वो कॉम्पोनेंट कब सेगमेंट कहलाएगा जब वो कोई बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है जिसमें रेवेन्यू हो सकता है अभी कमाना शुरू हो गया हो या कमाने वाले हो जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हो, हो सकता है आज की तारीख में व्हाट्सएप कोई रेवेन्यू नहीं कमाता है बट फिर भी फेसबुक के लिए पॉसिबली वो एक सेपरेट सेगमेंट है एनी चीज तो इट मे ऑन रेवेन्यूज एंड इनकर एक्सपेंसिस विच कैन ऑल्सो इंक्लूड इंटर सेगमेंट रेवेन्यूज और एक्सपेंसिस विच असेंशियली मीन्स कि हमारा एक डिवीजन है जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है और पूरा हंड्रेड परसेंट ऑयल एक्सट्रैक्ट करके दे देता है रिफाइनिंग बिजनेस को या फैक्ट्री को और वहाँ रिफाइन होकर मार्केट में तो आप एक्सप्लोरेशन को एक सेपरेट सेगमेंट मान सकते हो भले ही उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू जीरो है सिर्फ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर है मान सकते हो पर मानना है या नहीं ये प्रमेरली किस पर डिपेंड करेगा तो ये पहली कंडीशन है दूसरी कंडीशन है कि उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट सी ओडीएम रिव्यू करता है तो अगर आपकी कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर आपके एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज का सेपरेट रिव्यू करता है कि भैया हमारी क्या कॉस्ट लगी कितना उसमें से ऑयल जनरेट हुआ ऑयल मार्केट से खरीदते तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उस हिसाब से ये कितना प्रॉफिट मेकिंग है कैसे और बेहतर किया जा सकता है ऐसा अगर वो डिसीजन मेकिंग रिव्यू कर रहा है जिसमें उसको मिनिमम बेसिस पे दो चीज़ों के लिए रिव्यू करना है एक रिसोर्स एलोकेशन और एक परफॉर्मेंस असेसमेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट असेंशियली मीन रेवेन्यू और प्रॉफिट असेसमेंट आपके बिजनेस में कॉस्ट अगर नेग्लिजिबल है तो इट विल बी रेवेन्यू असमेंट अदरवाइज प्रॉफिट असेसमेंट तो सीओडीएम अगर प्रॉफिट का असेसमेंट करता है प्लस उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि आने वाले सालों में मैं कितने रिसोर्सेस पर्टिकुलर एरिया में लोकेट करूंगा बढ़ाऊंगा कम करूँगा तो माना जाएगा कि ये दूसरी डेफिनेशन की कंडीशन मीट सॉरी कंडीशन की सॉरी डेफिनेशन की दूसरी कंडीशन मीट करता है एंड देन वी हैव अन कंडीशन दैट डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल

ये कॉम्पोनेंट एंटिटी का जो एक क्या दिखाता है इट इंगजेज और शो सेपरेट बिजनेस एक्टिविटीज विच मे ऑन रेवेन्यू एंड इनका एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट रेवेन्यू सीओडीएम रेगुलरली रिव्यूज फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस असमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्क्रीट सेपरेट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे तो ये फर्दर आपको इलस्ट्रेट किया गया है सीओडीएम कौन है बिजनेस एक्टिविटी क्या है कॉम्पोनेट क्या है रेगुलर रिव्यू किस चीज के लिए करना है डिस्क्रीट का मतलब क्या है सीओडीएम एक व्यक्ति या फंक्शन भी हो सकता है अब ये सब के बेसिस पे आप सेगमेंट आइडेंटिफाई करें इंडेस कहता है कि कोर प्रिंसिपल और डेफिनेशन इन दोनों को यूज़ करके आप सेगमेंटेशन करेंगे क्योंकि कई जगह कोर प्रिंसिपल सिर्फ सफिशेंट नहीं होंगे क्योंकि वो काफ़ी ब्रॉड है तो उस कारण से सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हम देखेंगे कि सी को इन्फॉर्मेशन क्या दी गई कई बार हो सकता है कि सी के पास इन्फॉर्मेशन भी दो अलग अलग सेगमेंट फॉर्मेट में फॉर एग्जाम्पल सोनी कंपनी के सी को के इन्फॉर्मेशन जाती है नंबर वन ये एंटरटेनमेंट यानी सेट मैक्स और सोनी लेव ये सब कितना पैसा कमा रहे हैं और लेट्स से कैमरा डिवीजन कितना कमा रहा है और अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कितना कमा हो सकता है इंफॉर्मेशन ऐसी भी जाती हो सी के पास इंडिया पैसिफिक से कितनी कमाई है लेट्स से यूएस से कितनी है यूरोप से कितनी है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कितनी तो उसके पास इंफॉमेसन दो तरह से जा रही है एक प्रोडक्ट सर्विस वाइज एक जोग्राफी वाइज अब ऐसे केस में आप सेगमेंट किसे मानोगे तो ये प्रमानली डिपेंड करेगा बिजनेस एक्टिविटी मैनेजर रिस्पांसिबल और इंफॉमेशन प्रेजेंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सी में क्या है आप ये कह लो सी इज द सी ओडीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द बोर्ड क्या होता है बोर्ड हो सकता है कई बार बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना चाहे वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहेंगे तो बोर्ड के पास प्रेजेंटेशन अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जोग्रफिकल लोकेशन वाइज हो रहा है तो प्रोबाबली वो सेगमेंट है या सेगमेंट प्रोडक्ट और सर्विस वाइज हो रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर बेसिस होगा लेकिन इसके बावजूद भी तो ये कहते हैं नॉर्मली क्या होता है कि कोई ना कोई मैनेजर ज़रूर अपॉइंट किया जाता है तो आप ये देखो कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कैसा है तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक लेट से फॉर एग्जाम्पल एक बिग फोर को सेगमेंटेशन करके रिपोर्ट देना हालांकि बिग फोर एक लैप अपनी नहीं है तो इंडेस नहीं लगेंगे बट समझने के लिए तो मैं देखूंगा कि बिग फोर में टॉप में कैसे एलोकेशन कर रखा है तो हमने बोला ऑडिट प्रैक्टिस अलग है टैक्स प्रैक्टिस अलग है फॉरेंसिक अलग है फिर उनके नीचे रीजन बांट रखे हैं कि भाई ये हमारी पांच ब्रांचेस हैं इन सबके मैनेजर हेड से तो अल्टीमेटली ये सारे मैनेजर रिपोर्ट किसको कर रहे हैं इंडिया ऑडिट प्रैक्टिस को और वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है जो बोर्ड है उनकी उसको रिपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे सेगमेंट ज्यादा पर्टिकुलरली क्या सही होगा ऑडिट प्रैक्टिस टैक्स प्रैक्टिस एंड अदर प्रैक्टिस ये ज्यादा बेहतर सेगमेंटेशन का तरीका है क्योंकि टॉप लेवल पे जो इंफॉर्मेशन रही है वो इस तरह से जा रही है तो मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल अपॉइंट किए जाएंगे हो सकता है वो सेपरेट सेगमेंट हो, हो सकता है वो नहीं सीओडीएम एक से ज्यादा बेसिस यूज कर रहा है तो आप एक मेट्रिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं जिसमें कहते हैं कि वे इंडियन प्रैक्टिस टैक्स प्रैक्टिस फॉरेंसिक सॉरी ऑडिट टैक्स फॉरेंसिक और उसके अंदर लेट्स ए रीजन डेली मुंबई और ऐसा तो मेट्रिक स्टेबल जैसा बनेगा तो फिर आप कोर प्रिंसिपल ध्यान रखो कि भाई अल्टीमेटली यूजर की डिसीजन मेकिंग कैसे बेहतर होगी उसके आधार पर आप डिसीजन मेकिंग लीजिए यानी पूरा पूरा स्टैंडर्ड सिर्फ यूजर को बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए प्रमोट करता है और जो भी आपने बेसिस लिया है सेगमेंटेशन का आपको बताना पड़ेगा

र इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कोर प्रिंसिपल आर नॉट वायलेटेड क्या है भैया कोर प्रिंसिपल जो पैरावन में पढ़ा था कि हमें यूजर्स को अनेबल करने के लिए जिन बिजनेस एक्टिविटीज और एनवायरमेंट में आप इंगेज कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है अगर पैराडवल कहता है कि ये पाँचों फैक्टर जो हम पढ़ेंगे ये सब सिमिलर है उसी में कोर प्रिंसिपल हमारे मीट होते हैं और इनकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनके रिस्क और अवार्ड भी सिमिलर है तो आप इन्हें कंबाइन कर दोगे अलग अलग सेगमेंट नहीं मानोगे क्या पांच चीजें नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस अल्टीमेटली हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं टैक्स की हर केस में नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा सिस्टम भी मोरल प्रोसेसिंग का एक जैसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वो भी एक जैसे ही है बेसिकली क्लाइंट्स होते हैं उनको ऊपर कंसल्टेंसी देते हैं कस्टमर्स भी हमारे सारे सिमिलर कैटेगरी के कंज्यूमर या कॉरपोरेट्स होते हैं जो बेसिकली टैक्स पेयर्स है और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में भी फर्क नहीं है अट्टीमेटली भले ही लॉ अलग अलग है बट अल्टीमेटली हम इंडियन टैक्स प्रैक्टिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है पाँचों एंगल पे सब कुछ सेम है तो आई कैन कंबाइन ऑल ऑफ द पर वहीं पे हमारी टैक्स प्रैक्टिस की बजाय लॉ की प्रैक्टिस है और लॉ की प्रैक्टिस में लच्चे एक टैक्स प्रैक्टिस है और एक लच्चे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के लॉ की प्रैक्टिस तो डेफिनेटली इन दोनों का रेगुलेटरी लीगल इन्वायरमेंट काफी अलग होगा ये दोनों को सेपरेट सेगमेंट शायद मानना बेहतर हो क्योंकि पांच में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर आप उसे एक सेगमेंट नहीं मान सकते आपको अलग अलग सेगमेंट मानना पड़ेगा पर कोर प्रिंसिपल और ये सारी चीजें ध्यान रखनी तो ऐसा करके अब आपकी कंपनी में हो सकता है कई सारे सेगमेंट्स निकला आए तो आपको यूजर को सारे सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं देना है जैसे कि आईटीसी के केस में आप देखोगे सेगमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम सेगमेंट लाइक सिगरेट होटल्स एग्रीकल्चर पेपर बोट्स टू सेगमेंट लाइक इवन माछस अगरबत्ती और क्लासमेट नोटबुक्स अब आप समझिए क्या सिगरेट और माचिस अगरबत्ती दोनों को कंपेयर किया जा सकता है या दोनों की इन्फॉर्मेशन डिस्कलोज करें सिगरेट का टर्न हो सकता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड से उससे आने वाले प्रॉफिट दस हज़ार करोड़ हो वहीं पर माचिस अगरबत्ती का टू फिफ्टी का भी हमारा टर्न नहीं है होने वाले प्रॉफिट उससे पाँच करोड़ भी नहीं है इन कंपनी विद सच ए लार्ज साइज अ स्मॉल सेगमेंट लाइक दिस आपको लगता है कि भैया माचिस की प्राइस आगे बढ़ जाएगी तो इस कारण से मैं इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूंगा क्यों क्योंकि माचिस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी आई टी सी अलांकि उन्होंने अपना वो डिविजन भेज दिया तो अब इसी बात है कि इट विल बी नेग्लिजिबल उस कंपनी के पूरे प्रोपोर्शन में उसका नेग्लिचिबल इम्पैक्ट होगा यूजर्स विल नॉट टेक द डिसीजीजन बेस्ड ऑन समथिंग विच इज नॉट रियली मिटीरियल सो हाउ यू आइडेंटिफाई वेदर समथिंग इज मटीरियल और नॉट दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट सेगमेंट को रिपोर्टेबल कब मानना है तो जब एक बार आपने सेगमेंटेशन कर दिया उसमें से रिपोर्टेबल सबसे पहले एक दस परसेंट की थ्रेश होल्ड है वो चेक उसमें जो जो रिपोर्टेबल हो गए उन सबको रिपोर्ट कर दो तो। अब हो सकता है कि उसमें लच्चे आपका एक नया डिवीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दस परसेंट की थ्रेश में नहीं आता है पर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें बताना है नो प्रॉब्लम आप वॉल्टरली किसी और रिपोर्ट हो सकता है कोई सेगमेंट लास्ट ईयर रिपोर्ट हुआ और इस साल रिपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट ईयर वो उम्मीद कर रहा था थ्रेश अब नहीं कर रहा है अगर आपको लगता है अभी भी वो सिग्निफिकेंट है तो आपकी इच्छा है आप कर सकते और एक सेवेंटी फाइव परसेंट की एक और थ्रेश होल्ड है थ्रेश होल्ड यानी लिमिट जिसके बेसिस पर रिपोर्टेबल सेगमेंट रिपोर्ट होंगे कृपा करके ध्यान रखें कोशिश करें कि दस से ज़्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट ना हो अगर ज़्यादा है तो आप देखो कोई एक प्रैक्टिकल लिमिट तो नहीं आ गई है कि यार यूजर उसको इन्फॉर्मेशन ऑकवर्ड मिलेगी अगर ऐसा है तो फिर बेहतर है और रिपोर्ट ना करें बट ये मैंडेटरी नहीं है सजेस्टेड है अब इसी बात है इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टेन परसेंट थ्रेश होल्ड है वो क्या कहते हैं कहती तो है कि कोई भी सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है तीन मापदंड से तीन पैरामीटर से रेवेन्यू रिजल्ट्स और असेट्स अगर वो सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल सारे सेगमेंट के रेवेन्यू का दस परसेंट या उससे ज्यादा है तो फिर वो हमारे लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट रेवेन्यू कुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ बिकॉज इंटर सेगमेंट रेवेन्यू वालों को भी हम रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में शामिल कर सकते हैं हो सकता है किसी का रेवेन्यू कम हो जैसे कि सर्विस सेक्टर पर रिज़ल्ट प्रॉफिट्स में काफ़ी बड़ा योगदान हो क्यों क्योंकि दूसरा हमारा गुड सेक्टर है जिसमें टर्न बहुत बढ़ जाता है पर प्रॉफिट बहुत कम होता है तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई मटेरियल होगा सेगमेंट तो रिपोर्ट करेंगे रिजल्ट में क्या है आपके सेगमेंट का रिजल्ट टोटल रिजल्ट्स के दस परसेंट या उससे ज़्यादा है अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ सेगमेंट लॉस में हुए तो वो रिपोर्टेबल होंगे ही नहीं क्योंकि वो माइनस में है तो ऐसा ना हो इसके लिए कहा गया है कि सेगमेंट जितने भी हैं उन सब में आप लॉस वाले और प्रॉफिट वाले अलग कर दो क्यूमुलेटिव कर दो आप सिग्मा निकाल दो आप किसका लॉस वाले सेगमेंट का और प्रॉफिट वाले का इन दोनों में जो भी ज्यादा है उसका दस परसेंट ले लो वो अमाउंट या उससे ज्यादा किसी भी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस है एब्सोल्यूट टर्म्स में तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा सिमिलरली फॉर असेट सेगमेंट की assets, अगर टोटल ऑल सेगमेंट की टेन परसेंट या उससे ज्यादा है तो ये रिपोर्टेबल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट इलास्ट्रेट दिसमें यह इंटरनल सेल है एक्सटर्नल सेल से है ये प्रॉफिट लॉस है अब आपको क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है डेफिनेटली हमें टोटल सेल्स के बेसिस पे पैरामीटर सबसे पहले देखना होगा तो वील कैलकुलेट द टोटल सेल्स जो लेट से आती है सोलह हज़ार पाँच सौ ग्यारह हज़ार दो सौ पचास चार हज़ार पाँच सौ पाँच हज़ार दो सौ पचास छः हज़ार दो हज़ार दो सौ पचास आई होप द कैलकुलेशन आर ओके बारहवीं में सौ में से सौ आए थे मैथ्स में, में। तो मतलब ये नहीं टोटल सही आएगा अब आप क्या कर दो इसके परसेंटेज निकाल दो तो इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन अलग अलग तरह से आप बना सकते हो बट जो सजेस्टेड आंसर में आया है वो फॉलो करना है तो आप क्या करो थोड़ा सा आपको एक बेसिस देना पड़ता है यानी टेन परसेंट थ्रेश होल्ड का एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए और डिस्क्रिप्शन के बाद में क्योंकि यहाँ पूछा है नीड्स टू डिटरमाइन हाउ मेनी रिपोर्टेबल सेगमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एडवाइस तो एडवाइस मतलब कि आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा सिर्फ ये पूछा जाता कि है कि भैया रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बता दो कौन से हैं एज पर वन जीरो एट तो ये टेक्स्ट नहीं देते और सीधे आंसर दे देते तो चल जाता तो अब आप परसेंटेज निकाल दो कि भैया हमारा ये वाला एज अ परसेंटेज टू टोटल कितना है ऐसे आप एल एम एन ओ पी क्यू आर एस सबके सॉरी क्यू तक ये सबके परसेंटेज निकाल दीजिए रेवेन्यू के आधार पे दस प्लस वाले जितने भी उनको रिपोर्टेबल में नाम डाल दो एक तो एन नहीं होगा ओ हो जाएगा पी हो जाएगा तो एल एम एन ओ पी क्यू में एन और क्यू छोड़ के एल एम ओ और पी रिपोर्टेबल अब आते हैं रिजल्ट पे तो रिजल्ट में क्या है ये दो लॉस से बाकी प्रॉफिट है देखो टोटल प्रॉफिट है यानी ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट वाले ज्यादा होंगे उनका देखते हैं कितना आ रहा है छह हजार का दस परसेंट कितना छह सौ तो छह सौ या उससे ऊपर वाले सारे रिपोर्टेबल होंगे इसका मतलब ये, ये 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 और ये सारे ही रिपोर्टेबल हो जाएंगे क्योंकि सिक्स हंड्रेड और अपने को वापस छह सौ में परसेंटेज निकालना है तो ये देखो ये फिफ्टी परसेंट हो गया ट्वेंटी में निकालना है तो इससे एल एम एन ओ पी क्यू सारे रिपोर्टेबल हो गए तो टेक्निकली स्पीकिंग सारे ही रिपोर्टेबल हो गए ध्यान रखना है तीनों और कंडीशन है इधर और तो एक में भी रिपोर्टेबल हो गए तो रिपोर्ट करना पड़ेगा आगे देखने की जरूरत तो अब सर चेक करने की जरूरत है क्या हाँ आपको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा तो फिर सेम असेट्स में आप करोगे और इन तीनों में आप बताओगे ये ये ये, ये रिपोर्टेबल है इसके हिसाब से अब सारे रिपोर्टेबल निकल सपोज ऐसा होता कि, है कि लेट्स से यहाँ पे एल एम ओ पी है यहाँ पे एल एम एन ओ पी था क्यों नहीं होता और यहाँ भी एल एम एन ओ पी होता तो क्या करते है तो क्यों इसमें नहीं है और इन दोनों में तो भी क्यों रिपोर्टेबल होगा तीनों में से किसी भी एक में अगर आप कवर हो गए तो आप रिपोर्टेबल यहाँ पे ऐसा सच ही सेगमेंट रिपोर्टेबल हो रहे हैं तो आप सबको रिपोर्ट कर दो आई होप दैट यू एन आडिया इन टर्म्स ऑफ टेन परसेंट थ्रेजो कैसे लगती है प्रीवियस ईयर मैंने बता दिया वॉलंटरी आपको समझा दिया दस की लिमिट बता दी अब सेवेंटी फाइव परसेंट दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको ये चेक करना है कि जो सेगमेंट आपने रिपोर्ट किए हैं उन सेगमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है एक्सटर्नल वो एंटिटी के सारे सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू यानी जो पी में दिख रहा होगा क्योंकि पी में इंटरनल रेवेन्यू नहीं दिखता है उसका सेवेंटी या उससे ज्यादा होना चाहिए नहीं है तो आपको और सेगमेंट आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करना होंगे वो और सेगमेंट कोई भी आप आइडेंटिफाई कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत तो यहाँ पे एक्सटर्नल सेल्स कौन सी है ये वाली है तो अभी तो सारे सेगमेंट रिपोर्ट हो रहे हैं तो आप हंड्रेड परसेंट रिपोर्ट कर रहे हो तो इशू नहीं है सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी कारण से यहाँ पे सेगमेंट सेगमेंटल रिपोर्टेबल नहीं होता किसी कारण से ऐसे तो होगा पर नहीं होता तो जो आपके ये बचे हुए सेगमेंट का रेवेन्यू है इसका टोटल अगर आप निकालते थ्री फाइव थ्री फाइव जीरो में बारह तीन सौ अठा दो टू थ्री जीरो फाइव जीरो डिवाइडेड बाई थ्री फाइव थ्री फाइव जीरो आप सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू ही रिपोर्ट कर रहे हो विद इन द रिपोर्टेबल सेगमेंट तो ये आपने ये सेवेंटी फाइव चाहिए तो आपको और सेगमेंट रिपोर्ट करना पड़ेगा सेवेंटी फाइव परसेंट थ्रेश होल्ड है अब अगर आपके सेगमेंट्स अनरिपोर्टेबल बच जाते हैं कुछ सेगमेंट है जो अब रिपोर्टेबल नहीं है इस एग्जाम्पल में नहीं थे पर दूसरे में हो सकते हैं कई सारे तो इंडेज कहता है कि आपके पास ऑप्शन है कि जो पांच कंडीशन हमने पढ़ी थी क्या वो पांच कंडीशन याद रखना पड़ेगी एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो रखना पड़ सकती है कैसे याद रख सकते हो आप तरीका है इसका विच ऑज बेसिकली कस्टमर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मॉडल क्या है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हम क्या दे रहे हैं प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग हमारी कैसी हो रही है रेगुलेटरी एन्वायरमेंट नेचर ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोडक्शन सर्विसेज वी आर गिविंग इसका एक सिंपल सा तरीका है अगर आपको याद रखना है तो आप इसको याद रख लीजिए पी पी सी डी आर प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है आपका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपकी कैसी है एंड देन फाइनली कस्टमर्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये पांचों में से अगर आपको लगता है तीन भी सिमिलर है तो जो अनरिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उन अनरिपोर्टेबल सेगमेंट में मेजोरिटी ऑफ द पैरा ट्वेल्व कंडीशन आर मेट ऐसा पैरा पैराफोर्टीन में बोला है तो फिर आप उसे एट योर ओन चॉइस कंबाइन करके रिपोर्ट कर सकते हैं इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर क्विकली सुन लीजिए लेट्स टी सी का सेगमेंट है सिगरेट होटल एग्रीकल्चर फूड आशीर्वाद आटा और ये सब तरह की चीजें क्लासमेट्स माचिस अब इन सभी सेगमेंट्स में लच्चे सिर्फ और होटल्स है अब इन सब में क्या हो रहा है लच्चे सिगरेट होटल ये दो रिपोर्टेबल बाकी रिपोर्टेबल नहीं है ये ही मेजर है बाकी नहीं है सपोज अब आप इसमें सेवेंटी फाइव परसेंट चेक कर लो वो भी कवर हो गया तो कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है तो अब इतने सारे सेगमेंट छूट एग्रीकल्चर पेपर पोर्ट्स लच्चे माचिस अगरबत्ती क्लासमेट्स आपका नोटबुक का जो है फूड का जो डिविजन है ये सब छूट गए अब आप इनमें यह देखो कि इनमें वो पांच पी, -पी के क्राइटेरिया में से क्या किसी में मेजोरिटी क्राइटेरिया कॉमन है क्या मैं तो बोल सकता हूँ माचिस और फूड में क्या है कस्टमर सेम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा में भी सेम है हम स्टोर से ही बेचते हैं बेसिकली ग्रॉसरी स्टोर से <coughs> प्रोडक्शन प्रोसेस भी हमारा सब आउटसोर्सिंग ही हर जगह आउटसोर्सिंग करते हैं कंज्यूमर ही हैं। तो पाँचों तो नहीं मीट हो रहे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अलग है अच्छा या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या प्रोडक्शन हो सकता है एक का मैं करता हूँ एक का कोई और करता है तो पाँच में से पाँच नहीं पर तीन मीट हो रहे हैं मिनिमम तो आप चाहो तो इनको कम्बाइन करके एक नाम दे दो ले भी कंज्यूमर गुड्स विच इंक्लूड्स माचिस अगरबत्ती प्रोडक्शन लेट्स से क्लासमेट भी उसमें मैच होता है तो वो भी जोड़ दो और इन तीनों को कंबाइन करके फिर आप इसे अलग से रिपोर्ट कर सकते हो लेट्स ए कंज्यूमर गुड सेगमेंट और फिर नीचे आपको बेसिस ऑफ एग्रीगेशन डिस्कलोज करना पड़ेगा ये प्योरली ऑप्शनल है आप करना चाहें तो कर सकते हो तो इससे क्या होगा बहुत ज्यादा सेगमेंट भी रिपोर्ट नहीं होंगे और इम मटीरियल को क्लब करके अपन एक न, 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 मोटा सेगमेंट बना के उसको रिपोर्ट कर देंगे ये पैरा पैराफोटी ये ध्यान रखना कि इनकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होना चाहिए और पांच में से मेजोरिटी क्राइटेरिया ये मीट करना चाहिए अब आपने ये पता कर लिया कि भई आपके कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्ट होने हैं तो अब सवाल उठता है कि उसमें रिपोर्ट क्या करना है प्लस उसमें आपको एक रिकनसिलिएशन देना है बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोजर्स की दी हुई है आप परेशान हो जाएंगे ये सुपर एक मेरे हिसाब से समरी है डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं आप वो देख लें सबसे सॉलिड बात यह है कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में जब आप डिस्क्लोजर देते हो रिपोर्टेबल सेगमेंट का तो आपको मैंडेटरी बेसिस पे सिर्फ एक चीज डिस्क्लोज करना है और वो है प्रॉफिट और लॉस बस बाकी आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है जो सीओडीएम के पास जा रही है यानी सीओडीएम के पास प्रॉफिट और लॉस तो जा ही रहा होगा क्योंकि कंडीशन ही थी रिपोर्टेबल सेगमेंट रिपोर्ट करने की कि वो सीओडीएम उसका रिव्यू कर रहा है परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड रिसोर्स एलोकेशन के लिए तो प्रॉफिट्स आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी इसके अलावा आपके जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसको इंफॉर्मेशन तभी देना जब आप सीओडीएम को वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो क्यों या तो सेगमेंट के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के उद्देश्य से या अलग से तो आप इनमें से जो इंफॉर्मेशन सीओडीएम के पास जा रही है वो इंफॉर्मेशन आप देंगे जैसे कि रेवेन्यू इंटरनल एक्सटर्नल जाएगा इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस अगर रिपोर्ट हो रहा है डिप्रिसिएशन यानी नॉन कैश एक्सपेंस कोई एक्सेप्शनल आइटम रिपोर्ट करते हो जे वगैरह इससे रिलेटेड है वो रिपोर्ट करते हो टैक्स एक्सपेंस जो रिपोर्ट कर रहे हो उन सब में से ये इन्फॉर्मेशन आपको प्लस इसके अलावा असेट्स में कोई एडिशन हुआ है या अगर कोई इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर में हुआ है और टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटी इसको क्लब कैसे करना है आपको याद कैसे रखना है असेट लाइबिलिटी addition deal sorry additions to your assets primarily or investments in joint ventures or ye pure light ye sirf kab jab codm ko aap report kar rahe ho wo review kar raha hai use to aapko ye disclose karna to spl related or balance sheet related ho gaye और आपने क्या basis पे ये information दी है वो आपको बताना है basis यानी कि tax दिया है तो आपने क्या दिया है डेफर टैक्स दिया है current tax? सीओडीएम so, को हम करंट टैक्स की रिपोर्ट करते हैं तो यहां पे भी वही रिपोर्ट ऐसा इन सबके अलावा मैंडेटरी है कि आपको रिकनसिलियेशन देना होगा ताकि इन सब का टोटल पीओरएल में दिख रही आइटम से मैच करें पर रिकनसिलियन में एक बेजर रिकन्सिलियेशन होगा नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट का तो हमारी कंपनी में लच्चे पांच सेगमेंट है तीन रिपोर्टेबल है तो कंपनी की जो पी में टोटल सेल आ रही है वो तो डेफिनेटली इन तीनों के टोटल से मैच नहीं करेगी जब तक आप इन दोनों को ऐड नहीं करोगे तो जितने भी आपके नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं इसका एक आप नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक अलग से कॉलम बना दो तो ये डिस्क्लोजर कैसा होता है दिस इज समथिंग लाइक दिस आपने ये दो रिपोर्टेबल सेगमेंट वन रिपोर्टेबल सेगमेंट टू टोटल इसमें दो ही सेगमेंट है दोनों रिपोर्टेबल है नॉन रिपोर्टेबल नहीं है अगर कोई अदर होता तो अपन क्या करते थे अनरिपोर्टेबल सेगमेंट यहां लिखते थे और ये सारे टोटल आपकी बैलेंस शीट पी एंड एल की आइटम से आपको मैच करा डेफिनेटली इसमें कुछ रिकनसिलेशिएशन हो सकते हैं जैसे कि लेट से हम सीओडीएम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिपोर्ट करते हैं इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट नहीं करते हैं, पर पी ओर एल में तो वो भी आ रही है वो सब रिकन्सिलिये में शो किया जाए तो रिकन्सिलिये विल इंक्लूड इंटर कंपनी ट्रांसफर के एडजस्टमेंट को इनकम एक्सपेंसि सी ओडीएम को रिजल्ट दें उसमें नहीं आ रही है वो सब रिकनसिलेशन में आएगी रिकनसिलेशिएशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पेक्टिव आइटम से मैच करना सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि और बता दूंगा इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल एंटिटी वाइड देना होते हैं इसे एंटिटी एज होल के लिए देते हैं ना कि सेगमेंट के लिए जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम फ्रॉम सेल्स ईच प्रोडक्ट और सर्विस और सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस कंट्री वाइज रेवेन्यू और अगर कोई भी फॉरेन कंट्री मटेरियल है या कोई कस्टमर मटेरियल है मटेरियल यानी दस परसेंट ज्यादा आपका टोटल रेवेन्यू एक कस्टमर से आ रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन प्लस कंट्री वाइज आपके आपकेट्स कितने हैं नॉन करंट अदर देन फाइनेंशियल करेंट्स और इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री के मटेरियल है तो यानी कंट्री वाइज और रेवेन्यू कंट्री वाइज और कस्टमर वाइज ऐसे आपको डिस्कलोज और ये भी रिकनसाइल करना पड़ेगा जो पी आर जा रहे हैं अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज मैं सी को जब इंफॉर्मेशन देता हूँ तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन उसे देता हूँ तो वो इंफॉर्मेशन में मैं रेवेन्यू ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी एस टी बताता मतलब आप ये समझ लीजिए कि आई टी सी एच फॉर एग्जाम्पल साल भर में सिगरेट दस हज़ार करोड़ की बेच रही है जिसमें जी एस टी शामिल है तो सी ओ डी एम को मैं दस हज़ार करोड़ बताता हूँ पर जब मैं पी एंड एल में रिपोर्ट करता हूँ तो जी एस टी अटा के सेल्स रिपोर्ट करता हूँ आठ हज़ार रिपोर्ट इस कारण से फिर सवाल उठता है कि मैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या दूंगा ये क्लियर है कि सेगमेंट इन्फर्मेशन में वही फिगर्स आएंगे जो सीओडीएम को जा रहे हैं ना कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे हैं दोनों में डिफरेंस है तो उसे रिकनसिलियन के कॉलम में एडजस्टमेंट करके एक बहुत ही मजेदार बात अगर सपोज एक सेगमेंट में मैं रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी रिपोर्ट कर रहा हूं और एक सेगमेंट में एक्सक्लूडिंग तो आप सेगमेंट रिपोर्ट में भी जिसमें इंक्लूडिंग जीएसटी रिपोर्ट हो रहा है सीओडीएम को इंक्लूडिंग दोगे जिसमें एक्सक्लूड तो इस कारण से फिर प्रॉब्लम आएगी आपको टेन परसेंट थ्रेश होल्ड में तो इसकी सी ओडीएम को आप जो रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हो उसका बेस ही अलग अलग है एक में इंक्लूडिंग जीएसटी और एक में एक्सक्लूडिंग जीएसटी है तो फिर इंडियाज कहता है कि डिस्क्लोजर देते समय तो जो सी ओ डी एम के पास जा रही इन्फॉर्मेशन हो देना और बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर देते ना बट टेन परसेंट थ्रेश होल्ड निकालने के लिए जरूरी है कि सब एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही बेस पर तो वहां फिर आपको कॉल लेना होगा या तो फिर सारे सेगमेंट के रेवेन्यू प्री जीएसटी ले लीजिए और कंपेयर कर लीजिए या पोस्ट ले लीजिए बट एक बेसिस पे ले आए पर याद रखना जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिपोर्ट हुआ है वही बेसिस बनेगा ये स्टैंडर्ड ही डिस्कलोजर जो सीओडीएम देख रहा है वो यूजर को दिखाना है उस उद्देश्य से बनाए क्या वेट इज टू बी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन टू सीओडीएम नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ये डिफरेंस है तो डिस्कलोजर अपन रिकनसीएशन में डालेंगे प्लस एडिशनल डिस्क्लोजर में आपको बताना है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे दी है रिकनसिलियेशन पिछले साल से इस साल मेजरमेंट बेसिस में कोई चेंज हुआ लास्ट ईयर हम इंक्लूडिंग जीएसटी रिपोर्ट करते थे इस साल एक्सक्लूडिंग और अगर कोई खर्चे वर्चे हैं जिसको हमने कोई अजीब से बेसिस पे अलोकेट किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा तो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन प्लस आपके सेगमेंट के कॉम्पोनेट आपने जोग्राफिकल वाइज दिए हैं या प्रोडक्ट और सर्विस वाइज ये सारे आपको जस्ट तो, तो ये सारे डिस्कलोजर्स आ जाते हैं आपके सेगमेंट रिपोर्टिंग हो जाती है इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखिए कंपनी ने एक्सटर्नल रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी जीएसटी अदर ऑपरेटिंग इनकम रिजल्ट असेट और लाइबिलिटी है रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको रेवेन्यू से इंटरनल को चाह समझ में आ जाएगा दोनों रिपोर्टेबल सेगमेंट है ये सब आपके अनअलोकेटेड इनकम इंटरेस्ट बैंक चार्जेस जो किसी सेगमेंट में नहीं गए तो ये सब किसका पार्ट बनेंगे ये सब रिकनसिलेशन में तो अब जब आप कॉलम बनाओगे तो क्या करोगे प्रिंट और ये अब क्योंकि रेवेन्यू जीएसटी अदर ऑपरेटिंग इनकम सेगमेंट की रिजल्ट असेट लाइबिलिटी सब रिपोर्ट हो रही है तो आप देखो आप भी सेम ऐसी ही रिपोर्ट असेट और लाइविट अब देखो यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट नहीं हो रहा है ये टोटल मेरा दिस माइनस दिस इज माई नाइट रेवेन्यू प्लस दिस अदर इनकम मे नॉट बी इक्वल टू दिस बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपेंस पर क्योंकि सी के पास एक्सपेंस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं तो आप देखो यहाँ पर भी मुझे एक्सपेंस रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है सीधे प्रॉफिट क्या ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट होगा ऑब्बियस बात है इसमें ये सारी अनोलोकेटेड इनकम एक्सपेंसिस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो ये सब करने के बाद फिर क्या आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये मैच होएगा तब जाए इससे जो पी में आ रहा है उससे ऐसे दिखाना सेम गोज विथ ऑल योर असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऐसी ही अनलोकेटेडेड असट्स लाइबिलिटी होगी डेपरी कैपिटल एक्सपेंडिडिचर ये जितनी इफॉर्मेश देंगे एंटिटी वाइड डिस्कलोजर्स बता देता हूँ रेवेन्यू फ्राम आउटसाइड इंडिया था अर्टी वन करोड़ है और सेगमेंट असेट आउटसाइड इंडिया पांच करोड़ है अब आप देखो कंपनी के टोल असेट्स कितने तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन लैक्स हैं तो ये फोर थाउजेंड लैक्स यानी फोर्टी करोड़ है प्लस इसके अलावा देखते हैं कोई और ऐसे असेट्स हैं क्या जो अनअलोकेटेड हैं तो अनलोकेटेड इवेस्टमेंट है पाँच करोड़ के और अदर असेट्स हैं पाँच करोड़ ये दस करोड़ के और असेट्स हैं तो पचास करोड़ हो गए जिसमें से थर्टी वन और फाइव है ये तो आप देखिए यहाँ पे डिस्क्लोज़र्स जब आप देखोगे तो विल फाइंड टोटल पाँच करोड़ के हैं आप सेगमेंट एसेट्स जैसे अभी अपन ने निकाले सही है ना चार ये निकाला प्लस पाँच प्लस पाँच ये निकाला तो टोटल तो आपके फिफ्टी करोड़्स के आ गए और उसमें ओके ये मैंने रेवेन्यू बता दिया फिफ्टी करोड़ आ गए और ये फिफ्टी करोड़ के आपके कितने इंडिया में और कितने इंडिया के बाहर है असेट्स आउटसाइड इंडिया इज फाइव करोड तो आपको ये बता दिया आउटसाइड इंडिया हमारा कितना है पांच तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर होगा इन इंडिया सिमिलरली फॉर सेगमेंट वाइज तो ये सेगमेंट वाइज नहीं आ रहा है ये जोग्राफिकल आपको क्या बताना है आपका कंट्री डोमिसाइल वाइज आपको इन्फॉर्मेशन देना है असेट्स और रेवेन्यू की और आपको इन्फॉर्मेशन अपने रेवेन्यू की कस्टमर सेगमेंट वाइज भी देना है एज एन एक्सटर्नल इंटरनल रेवेन्यू असेट्स सिर्फ आप डोमिसाइल कंट्री वाइज देते हैं रेवेन्यू में आपको दोनों तरह से इन्फॉर्मेशन देना है प्लस एडिशन टू असेट्स भी यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है तो ये इस तरह के आपके डिस्कलोजे है ये एक इंपॉर्टेंट मटीरियल आपका क्वेश्चन है और ये सारे डिस्क्लोजेज हैं जो आपको ट्राई करना है कुछ दूसरी बातें ध्यान रखें वन जब भी लगेगा पूरा लगेगा इसका मतलब कोई कॉन्फिडेंशियलिटी के बेसिस पे आप सेगमेंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे एग्जामेशन नहीं है डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा डिसकंटिन्यूड सेगमेंट अगर कोई है जो किसी सेगमेंट का पार्ट है या पूरा सेगमेंट ही डिसकंटिन्यूड है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है हालांकि आप डिस्क्लोज कर देना ये डिसकंटिन्यूड इसमें रिकन्सिलेशन में इशू आएगा क्योंकि पी में उसके रेवेन्यू एक्सपेंस वगैरह सीधे नेट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के थ्रू आते हैं तो रिकन्सिलेशन पे ध्यान रखना सिंगल सेगमेंट है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है कैश फ्लो में सेगमेंट वाइज कैश फ्लो देने की कोई रिक्वायरमेंट कंपलसरी मैंडेटरी बेसिस पे नहीं इस साल कोई भी नया सेगमेंट आइडेंटिफाई हुआ है या कोई रिक्लासिफिकेशन हुआ है लास्ट ईयर दो सेगमेंट थे इस साल मर्ज होकर एक हो गया या लास्ट ईयर एक था उसको मर्ज करके दो कर दिया ऐसा करते हिंदुस्तान न्यू ने किया था पहले उनका एक ही सेगमेंट होता था कंज्यूमर गुड्स का फिर स्प्लिट करके दो किया एक पर्सनल केयर जिसमें सोप शैम्पूस आने लग गए और एक एडेबल आइटम जिसमें कि आइसक्रीम न के सोप या किसान के टोमेटो के छपाने तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रीवियस ईयर कंपेरेटिव भी रिस्टेट करना है पहली बार रिपोर्ट हुआ है तो भी प्रीवियस ईयर देने की कोशिश करो अनलेस वो इम्प्रैक्टिकेबल है ये मैंने बता दिया दस परसेंट थ्रेश में कोशिश करना कॉमन बेस है भले ही सीओ डी एम उसे अलग अलग बेसिस पर रिव्यू करता है जितनी बातें मैं बोलता हूँ सब यहाँ पे दी हुई है डिस्कलोजर्स के लिए समरी आपके लिए काम की होगी दो क्वेश्चन जो काम के आते हैं वो मैंने बता दिया इसके साथ हमारा रिविजन विद क्वेश्चन यानी कि इसका अलग से हम सोल्यूशन सीरीज में एक वीडियो नहीं बनाएलीटर वन जीरो एट थैंक यू